गाइस स्टॉक मार्केट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे टीसीएस के बारे में। और देखिए आपके सामने लगा हुआ टीसीएस का टेक्निकल चार्ट, तो देखिए देखते हैं अभी इसके क्या हालात हैं। तो देखिए अभी 1800 से 26 नवंबर को इसने इतनी तेजी से अप मूव दिखाया है कि ये तकरीबन 1800 से जब इसमें बाइंग आई तो आप देखिए ये पहुंच चुका है 1968 के तकरीबन। और देखिए अब बात ये कि इसने आज एक हाई लगाया जो 1991 का है और उसके बाद ये आज बंद हुआ 1968 पे। तो भाई कहने का मतलब है क्या अभी भी इसमें कुछ पोजीशंस बनती हैं या नहीं बनती। और देखिए अभी इसमें एक बाइंग ऑर्डर लगे हुए हैं जो तकरीबन 1700 के हैं। और देखिए अभी आप देख सकते हैं कि भाई अभी ये करेक्ट हुआ और करेक्ट होने के ऊपर आया और अभी हम ये देखना चाहते हैं इसमें पोजीशंस कैसी बन रही हैं और पोजिशनल व्यूज कैसे देख रहे हैं। तो देखिए वो हम देखेंगे आरएसआई से जो कि हमारा इंडिकेटर है। और देखिए उसके बाद हम इसकी ऑप्शन चेन देखेंगे और ऑप्शन चेन देखना बहुत जरूरी है क्योंकि हमें इसका सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। देखिए मैंने चार्ट को बड़ा करके लगा रखा है, अभी मैं आपको कुछ दिखा देता हूं पहले कि ये कब से ऊपर जाना शुरू हुआ। तो देखिए अभी देखिए आप इसको नवंबर की बात है और अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ और आप उसी से देख लीजिए कि कितनी तेजी से ये ऊपर भागा है। और ये देखिए यहां से वन डे पे लगा लेता हूं मैं इसे और देखिए अभी देखिए कि सिर्फ 26 तारीख से इसने जो रेस दौड़ लगाई है वो कितनी ऊपर तक जाके लगी है। ये देखिए ज्यादा पुरानी बात नहीं है ये, देखिए यहां से और देखिए अभी मैं ले लेता हूँ ओरिजेंटल, अब आप अच्छे से देख पाएंगे। देखिए मैंने ले लिया, ये ओरिजेंटल लाइन मैंने ले लिया और देखिए ये यहां से भागा 1800 से। देखिए यहां से बाइंग आई है इसके अंदर, इधर से जब से इसमें बाइंग आई है इधर से। और देखिए यहाँ ही अगर आप ऑप्शन चैन को देखेंगे तो आप पाएंगे कि ऑप्शन चैन में ही इसका सबसे अच्छा जो एक सपोर्ट बन रहा है वो यहीं से बन रहा है। देखिए इसका बहुत मजबूत सपोर्ट है और देखिए ऊपर तक गया है इसे, देखिए ऊपर तक यहाँ तक गया हुआ है और देखिए पूरा ऊपर तक मारा है इसने अच्छे से। और देखिए अभी यहाँ पे इसने हाई मारने के बाद अब ये देखिए यहाँ पे आके बंद हुआ है। तो देखिए आप कहने का मतलब ये है कि क्या अभी भी इसमें कुछ पोजिशनल व्यू मौजूद है कि नहीं। तो देखिए इसके लिए हम आरएसआई लगा लेते हैं, मैं वन डे पे इसको सेट करूंगा और उससे फिर हम बात करेंगे कि आरएसआई में अभी भी कुछ है इसमें या नहीं, या आपको भी अगर देखना हो कोई व्यू बनता है कि नहीं तो आप इसमें ले सकते हैं। देखिए आरएसआई मैंने लगा लिया है और बेसिकली मैं चेक कर लेता हूँ आरएसआई को। देखिए तो इसका जो ओवरबॉट है वो मैं 70 कर ले रहा हूँ और देखिए जो इसका सोल्ड है तो वो उसको 30 कर दिया मैंने। अब देखिए जैसे वनडे पे मैंने लगाया तो जो 14 पीरियड डिफॉल्ट मिलता अभी 14 डेज का है, ठीक है। और अगर ये मैं इसको अभी 1 आवर पे लगा दूंगा तो ये 14 पीरियड्स का बन जाएगा, ठीक है। तो अब हमें देखिए बात क्या करनी है ये हम बात कर लेते हैं। देखिए कुछ चीजें से पहले आप जान लीजिए, देखिए जब बेयरिश होता है हमारा तो देखिए बेयरिश के वक्त अगर हमें पता चले कि ये बेयरिश है और बुलिश दो चीजें हो गई हमारी, तो अब ये कैसे पता करें हम, उसके लिए हम ये कैसा देखते हैं। तो देखिए कैंडल्स को देखने का तरीका होता है जब मार्केट हाई और हाई बनाता है इस तरीके से और जब मार्केट बनाता है लो एंड लो, ठीक है, इस तरीके से, तो भाई ये तो होता है बुलिश और ये होता है हमारा बेयरिश, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब ये कैसे लगती है वो चीज पे हम देख लेते हैं। तो देखिए उसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ और देखिए उसको थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूँ और देखिए आप इसको आराम से और फिर देखिए अब देखिए यहाँ पे देखिए सबसे पहली जो पोजीशन बनी है जो कि बेयरिश वाली मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ये देखिए यहाँ से ये ऊपर से एकदम नीचे गिरा है और देखिए ये देखिए आप यहाँ पे हाई मारा था इसने और देखिए मैं ले लेता हूँ एक सेगमेंट वरना तो देखिए सेगमेंट में ले लेता हूँ आपको सही से दिखाता हूँ। ये देखिए और ये देखिए जो हाई है देखिए यहाँ पे जैसे ये बना यहाँ पे और आप देख सकते हैं यहाँ लगा हुआ है, हमें लगा दिया। देखिए ये जो है ये ऊपर ऊपर के जो हाई है, तो अब देखिए हमें देखने वाली बात है हमें ट्रेड कहाँ डालना था सीधे यहाँ पे नहीं, कई बार ये फेक सिग्नल्स भी होते हैं इसलिए देखिए ये जो पॉइंट है यहाँ से ये ऊपर चला गया था, ठीक है, तो अब हमें यहाँ से लेके हमें ट्रेड डालना था यहाँ पर, ठीक है। आप अच्छे से देख रहे होंगे, मैं ऐसा देखिए मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जैसे आप सही से देख पाए, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे हमें पोजिशन डालनी थी अपनी इधर और इस वाली उसमें मैं बात करूं तो देखिए हमें डालनी थी पोजिशन यहाँ पे, देखिए इधर से लेके इधर तक। अब आप कहेंगे कि भाई ये क्या बात हो गई, ये इतना तो हमने छोड़ दिया, इतना प्रॉफिट तो हमारा आया ही नहीं, तो देखिए उसके लिए काम और कर लेते हैं, परेशान मत होइए। मैं मूविंग एवरेज ला देता हूँ एक्सपोनेंशियल वाला, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगा लेता हूँ। तो देखिए इसमें और मैं लाइन ले लेता हूँ तकरीबन 3, ठीक है,
तीन पीरियड मैंने लाइन ले ली है और देखिए इसको मैंने लगा दिया। अब देखिए मुद्दा क्या है, जैसे ये जो लाइन है ये देखिए हमें तो यहाँ पे करना था हमारे तरीके से, जैसे हम बताते थे कि इस कैंडल ने इस कैंडल के ऊपर चला गया था, जैसे ये कैंडल नीचे बनी तो इसके ऊपर तुरंत ऊपर चला गया था यहाँ तक, तो हमें तो कोई फायदा नहीं है, तो इसके लिए हमने ये कैंडल को यहाँ से लेते। लेकिन अब हमने चूंकि ये लगा लिया मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की लाइन जो है हमारी, ये देखिए जैसे इस कैंडल ने इसको काटा ठीक है, काट के नीचे की तरफ आई, तभी हमें पता चल गया कि बेटे यहाँ ट्रेड डाल देना चाहिए ठीक है। इसने यहाँ पे एकदम से काट दिया सेंड को, तुरंत हम यहाँ पे ट्रेड डालते तो हमें इतना प्रॉफिट होता, देखिए कुछ परसेंटेज प्रॉफिट ज्यादा होता ठीक है, इस चीज को आपको समझना होगा। देखिए अगर हम यही डाल देते तो तकरीबन यहाँ तो 82 था और देखिए यहाँ पे 38, कहने का मतलब है तकरीबन तकरीबन 40 रुपए का हेर फेर हो जाता, तो देखिए 40 रुपए प्रॉफिट हमारा ज्यादा बनेगा अगर हम इस चीज को फॉलो करेंगे तो ठीक है। आप समझ ही गए होंगे और ना समझो तो मुझे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और देखिए और अब देखते हैं अब इसमें और क्या चल रहा है, और देख सकते हैं आप लो एंड लो, और देखिए यहाँ पे भी उसने हल्का हल्का सा देखिए लो मारा यहाँ पे, ये देखिए हल्का सा लो लगाया यहाँ पे, और देखिए उसी के बाद से मार्केट थोड़ा ऊपर चला गया। और देखिए उसके बाद हम कब तक रुकते, हम देखिए यहाँ पे जाने के बाद ये वाली जो कैंडल है, देखिए ये वाली जो कैंडल है तकरीबन यहाँ तक वेट करते, यहाँ से लेके यहाँ पे ट्रेड डालते हम अपना ठीक है, यहाँ ट्रेड डालते तो उसी लिए ये जो मूविंग एवरेज वाली लाइन है एक्सपोनेंशियल वाली, जैसे इस वाली भी कैंडल ने इसको काटा है यहाँ ऊपर ठीक है, हम तुरंत यहीं पे डाल देते कि इस लाइन के काटते हैं, कंफर्म हो गया कि अब ये ऊपर जाएगा ही जाएगा। तो देखिए ये लाइन इसलिए यूज कर रहे हैं हम ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल की जो लाइन है हमारी उसकी जो वजह है उसे समझ लीजिए आप, ये वाली जो कैंडल है, वरना तो हम अपने इसी वाले तरीके से चलते कि भाई ये वाली जो सेगमेंट वाली लाइन को काटता तो हम यहाँ पे ट्रेड डालते हो तकरीबन, देखिए हमें अगर यहाँ डालते तो कितना प्रॉफिट छोड़ना पड़ता, यहाँ देखिए तकरीबन है 98 और यहाँ पे अगर हम डालते तो 44, तकरीबन 56 रुपए का हेर फेर है यहाँ पे ठीक है, हम 56 रुपए छोड़ते तो देखिए वो परसेंटेज प्रॉफिट भी हमने कवर कर लिया ये मूविंग एक्सपोनेंशियल की जो लाइन है इससे। तो देखिए और देखते हैं ये प्राइस एक्शन को पढ़ना बहुत जरूरी होता है इसलिए, और देखते हैं तो देखिए ये तो भी चीज और ये आपने से भी देख सकते हैं। तो चलिए फिर बात करते हैं इसकी ऑप्शन चेन के बारे में ठीक है, और देखिए इसकी ऑप्शन चेन के बारे में बात करते हैं, मैंने NSE की वेबसाइट लगा रखी है और अभी देख सकते हैं आप देखते हैं कितनी डिलीवरी हुई है, तो देखिए डिलीवरी हुई है इसमें 63%, बहुत अच्छी यानी कि कहने का मतलब कल खुलते ये फिर से ऊपर भागने वाला है और बाइंग ऑर्डर्स भी लगे हुए हैं, और इसलिए चलिए ऑप्शन चेन देख लेते हैं, ये मैंने लगा रखी है और मोटी मोटी बातें एकदम से बात कर लेते हैं। देखिए ये जो चीज लगी हुई है आपको पता है कम्युलेटिव ओपन इंटरेस्ट जो टोटल होता है, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट वॉल्यूम्स है ठीक है, नेट चेंज जो प्रीमियम में हुआ है, आर्क्स प्राइस जो कि सेलर मांग रहा है, आर्क्स क्वांटिटी ठीक है, और यह है बिड क्वांटिटी जो कि बायर्स खरीदना चाहते हैं, बिड प्राइस सिमिलरली यहाँ पर भी वही चीज है, ये कॉल्स है, कॉल्स को हम देखते हैं रेजिस्टेंस के लिए ठीक है, और हम देखते हैं अपने पुट को देखते हैं हम सपोर्ट के लिए ठीक है, सपोर्ट जांचने के लिए हम देखते हैं। तो चलिए ये तो हो गई सारी ये सारी बातें, और अब हम चलते हैं अपने काम की बातों पे, ये हो गई आउट मनी और ये जो येलो येलो दिखता है ठीक है, ये हो गई इन द मनी वो प्राइस होता है जो कि स्टॉक पार कर चुका होता है, आउट द मनी वो प्राइस होता है जिसको स्टॉक पहुंचने वाला होता है, जहां पहुंचना चाहता है ठीक है, जहां पहुंच सकता है ठीक है, इसलिए वाइट है। तो हमें जो काम की बात करनी है वो है हमें देखा अपना सपोर्ट देखने के लिए ओपन इंटरेस्ट में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वो है देखिए ये, लेकिन उसके सामने जो लगी हुई है वो है माइनस में वैल्यू, तो हमें ये नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि जो उसके बाद बढ़ी हो और उसके सामने फिर पॉजिटिव लगी हो वैल्यू, यानी कि इतने ओपन इंटरेस्ट आके जुड़े हैं। तो ये पर्टिकुलर स्ट्राइक किसकी है, तो वो पर्टिकुलर स्ट्राइक है देखिए 1800 की, इसी वजह से मैंने आपको 1800 दिखाया था जब मैंने आपको चार्ट दिखाया था, क्योंकि देखिए वो 1800 ही ये दिखाता है कि भाई देखिए बाइंग वहां से आई थी और सबसे बड़ा सपोर्ट यहाँ पे मौजूद है, देखिए सबसे बड़ा स्टॉक यहाँ पे सपोर्ट जो है इधर मौजूद है 1800 के स्ट्राइक पे। उसी तरीके से हम देख लेते हैं नीचे कहाँ पे रेजिस्टेंस बन रहा है, तो देखिए रेजिस्टेंस सबसे बड़ा बन रहा है जो मुझे दिखाई दे रहा है वो है देखिए बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, ये है रेजिस्टेंस, और कौन सी वाली स्ट्राइक पे है ये है 2060, यानी कि देखिए ये अब मैं कह सकता हूँ मार्केट कहाँ से कहाँ तक रहेगा, देखिए मार्केट रहेगा इससे 2060 से लेके 1800 के बीच में, मार्केट इससे बाहर कहीं नहीं जा सकता ठीक है, मार्केट इससे बाहर कहीं नहीं जाएगा, ये चीज अब हमें दिखाई दे रही है। देखिए रहेगा तो कहाँ रहेगा वो चीज देख लेते हैं, देखिए या तो मार्केट अब यहां तक जा सकता है और देखिए
और मार्केट का सपोर्ट है ये। तो चूंकि देखिए आप पोजीशंस बनाने का, इसलिए मैंने आपको बताया आरएसआई लगा के आप ये जान सकते हैं एक दो दिन में कि आपकी पोजीशन बन जाए, तो 50-60 रुपए का मूव तो आपको भी देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और देखिए बिल्कुल क्लियर रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इन दोनों के बीच में मार्केट छूलेगा, ठीक है। अब मोटी मोटी बातें कर लेते हैं कुछ चीजों के बारे में, जैसे कि अगर आप कुछ चीजों पर नजर डाल पाए तो आपको पता चलेगा कुछ वैल्यू लाल है, कुछ जो है वो ग्रीन है। अब इनका क्या मतलब है, तो देखिए अब हम देखते हैं कि हमारी ये जो सबसे बड़ी वैल्यू थी जो कि कम्युनिटी ऑपरेटर का सबसे ज्यादा ये था ये वाला, तो अब इसके सामने बात कर लेते हैं। देखिए प्रीमियम जो है वो ग्रीन में है यानी कि बढ़ा हुआ है, और ये देखिए हमारी ये भी वैल्यू प्लस में है। तो जब दोनों चीजें प्लस प्लस में होती है यानी कि ओपन इंटरेस्ट भी बढ़ रहा है, प्रीमियम भी बढ़ रहा है, यानी कि लॉन्ग क्रिएट हो रहे हैं, इट मीन दैट कि भाई जो कि जो कि हमारे कॉल बायर्स है उनको लगता है कि इस वाली प्राइस के ऊपर भी जा सकता है प्राइस, ठीक है। देखिए ये इनको लगता है, और ठीक है एक मिनट में पीछे लगा देता हूँ, ये थोड़ा सा लगता है मुझसे क्लिक हो गया, हाँ ठीक है चलिए ये देखते हैं। तो देखिए उनको ये लगता है कि ये जो प्राइस है ये अब इसके ऊपर जा सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे लॉन्ग क्रिएट हो रहे हैं, ठीक है, फ्रेश लॉन्ग बन रहे हैं। और देखिए और देखते हैं उसके ऊपर जस्ट आप देखेंगे तो यहाँ पे भी क्रिएट हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि यहाँ सारी पोजिशन जो है पूरी की पूरी कॉल बायर्स की है। और उसके बाद देखते हैं, हाँ यहाँ पे देखिए ये वाली वैल्यू देखिए आप, यहाँ पे देखिए चेंज इन ऑपर इंटरेस्ट नेगेटिव में है और लेकिन प्रीमियम हमारा बढ़ रहा है। अब इसका क्या मतलब हुआ, तो देखिए ये कंडीशंस होती हैं जो कि बहुत ही ज्यादा आपको देखने लायक होती है, इसे बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, यानी कि जितने भी हमारे इन्हें आप बोल सकते हैं कि जो भी आपके कॉल राइट कर रहे थे वे सब लोग हम निकल निकल के भाग रहे हैं यहाँ से, ठीक है, वो अपना सीधे लॉस बुक कर रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं, ठीक है, उनको नहीं लगता कि वैल्यू जो है 1960 के नीचे रहेगी, इट मीन दैट वैल्यू ऊपर ही रहेगी। तो ये पॉजिटिव सिग्नल है कि स्टॉक कहीं ना कहीं बुलिश है, ठीक है। तो ये तो भी ये चीज अब हम देख लेते हैं भाई कहीं हमारे कहीं और तो कुछ नहीं, शॉर्ट कवरिंग तो कहीं नहीं हो रही। और देखिए शॉर्ट कवरिंग क्या होती है, जब प्रीमियम बढ़ता है और ओपन इंटरेस्ट हमारा घटता है, ठीक है। तो देखते हैं ऐसा कुछ हमारा यहाँ पे कहीं क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा, ठीक है, जहां पे प्रीमियम हमारा बढ़ रहा हो और ओपन इंटरेस्ट हमारा घट रहा हो। तो देखिए तो यही पोजीशन है, अरे हाँ देखिए ये पोजीशन है हमारी शॉर्ट कवरिंग, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। और हमारी जो है अनवाइंडिंग देख लेते हैं, कहीं पे अगर अनवाइंडिंग हो रही हो तो ओपन इंटरेस्ट कहीं घट रहा हो तो मुझे तो कहीं नहीं दिखाई दे रहा। हाँ देखिए यहाँ पे भी नहीं है वो पोजीशन कि ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा हो और प्रीमियम भी घट रहा हो कि हमारी अनवाइंडिंग चल रही हो कहीं पे, तो मुझे तो कहीं भी नहीं नजर आ रहा कहीं अनवाइंडिंग हो रही हो यहाँ पे, नहीं रजिस्टर यहाँ पे कॉल में तो कहीं पे नहीं हो रहा ऐसा, नहीं बिल्कुल भी नहीं हो रहा, ये मैंने अच्छे से चेक कर लिया, आप भी चेक कर लेना। और देखते हैं कहीं यहाँ पे तो अनवाइंडिंग नहीं हो रही है हमारा जब ओपन इंटरेस्ट भी घट रहा हो, हाँ ये देखिए पकड़ा गया, ये रहा देखिए यहाँ पे हो रही है अनवाइंडिंग, इसको बोलते हैं अनवाइंडिंग। अनवाइंडिंग कब होती है, जब ट्रेडर्स अपना प्रॉफिट बुक करके भाग जाते हैं, उनको लगता है कि अब स्टॉक की वैल्यू यानी कि जो पुट में जो कि पुट राइट कर रहे हैं, पुट राइट कौन होते हैं, पुट सेलर्स होते हैं, पुट सेलर्स को ये लग रहा है कि वैल्यू जो है देखिए अब ये जो है कि यहाँ पे जितनी अनवाइंडिंग हो रही है कि यहाँ से वो निकल निकल के भाग रहे हैं, क्योंकि हो सकता है स्टॉक का प्राइस ऊपर की तरफ जाए, ठीक है। तो देखिए प्रीमियम फिर से निकल रहा है जो कि पुट बायर्स हैं और पुट बायर्स को लग रहा है और वो अपना अपना जो कि प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट बुक करके जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि बाइंग कर करके निकल रहे हैं, ठीक है। और देख लेते हैं और कहाँ पे और कहीं पे फ्रेश लॉन्ग्स तो नहीं क्रिएट हो रहे, तो हाँ देखिए यहाँ पर थोड़ा फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हो रहे हैं 1760 पर, ठीक है, तो यहाँ पे और आपके फ्रेश लॉन्ग क्रिएट हो रहे हैं, बहरहाल क्वांटिटी बहुत छोटी है। और देखते हैं और कहीं पर आपके और तो देखिए मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है यहाँ पे सारी वही कंडीशंस है, यहाँ ओपन इंटरेस्ट तो बिल्कुल करीब पे बात करते हैं कि बिल्कुल जो कि सटीक हमारा स्टॉक चल रहा है तो हम बिल्कुल यहाँ पे बात करेंगे। तो देखिए हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है प्रीमियम जो है प्रीमियम तो हमारा घट रहा है और ओपन इंटरेस्ट जो है वो बढ़ रहा है, तो ये वाली कंडीशन कौन सी होती है, तो देखिए ये कंडीशन होती है हमारी शॉर्ट कवरिंग, ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट कवर हो रहा है, इसका मतलब ये है कि जो पुट राइटिंग वाले हैं, ठीक है, पुट राइटिंग करने वाले यहाँ से निकल निकल के भाग रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन लोगों को क्या लगता है, यहाँ पे इन लोगों को ये लग रहा है कि वैल्यू जो है वो इस वैल्यू से नीचे रह सकती है,
ठीक है एक्सपायरी तक, तो इस वजह से यहाँ वाले लोग ये चीज सोच रहे हैं। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चैन को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो चलिए फिर वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पे वाइंड अप, और फिर मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके आगे जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और शेयर करते रहिए। तो चलिए, थैंक यू।